ये संगरूर वाले के पास माइक लेकर जाओ। बस से आपको कितना टाइम लगा भाई? जय मसीह, जय मसीह की। मैं ट्रेन से आया हूं। ट्रेन से आए हो, कितना टाइम लगा? लगने 5-6 घंटे। 5-6 घंटे का सफर तय करके आए। आपका जो गांव है वो कितनी दूर है यहाँ से? 250 तो ज्यादा, 250 से ज्यादा है, प्लस है। देखो, क्या वहां पे चर्च नहीं है? ध्यान से सुनो, क्या वहां पे चर्च नहीं है? क्या संगरूर में चर्च नहीं, आसपास चर्च नहीं है? क्योंकि एक समय आपको कितना टाइम हुआ इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए? 14 फरवरी, 1 साल हो चुका। 1 साल हो चला है ना। और आप, आपको विश्वास करते प्रभु में कितना टाइम हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये 8 साल हो गए प्रभु में। संगरूर में ही अपने किसी पाशाही के साथ ये मीटिंग करते थे। क्या करते थे? और ये जो प्रार्थना करते थे पहले, ये हमेशा इन्हें नहीं पता कि प्रार्थना करने के बाद विश्वास करना क्यों हमें मिल गया। ये करते रहते, मांगते रहते थे। फिर उसके बाद ये बंधनों को तोड़ते थे, ऐसा ही करते थे ना। हाँ जी, सालों से ये 8 साल से बंधन तोड़ रहे थे अपनी अपनी प्रार्थना में, मगर वो टूट नहीं रहे थे। हाँ जी। और इन्होंने इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को जो सही जानकारी है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अगर आप कुलसियों 3 की, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, कुलसियों 3 की यहां पे लिखा, विधियों का वेलेख जो हमारे नाम पर और विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किल्लों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने 15 में लिखा, प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमेन, हालेलुया। क्या बोलो? विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था, लिखा, परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पे किल्लों पे चढ़कर सामने से हटा दिया, खत्म कर दिया। हाँ, और शैतान का क्या बनाया? तमाशा। क्या बनाया? और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। किसने ये काम किया? अब ये 8 साल से उस बंधनों को क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ये तोड़ रहे थे, टूट नहीं रहे थे ना, टूट नहीं रहे थे। और इनके ऊपर एक बर्डन था, बोझ था। क्या था? एक बर्डन था, बोझ था, कि 8 साल से ये प्रभु में, मगर वो बंधनों को तोड़ रहे मगर टूट नहीं रहे। पर जैसे ही इन्होंने इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को समझा, क्योंकि मैं नहीं, खुदा का वचन जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है वो बता रहा है हमें। क्या बता रहे? क्या ऐसे लिखा ना, सामने से वो लेख जो शैतान ने लिख दिया था हमारे विरोध में, वो मिटा डाला, खत्म कर दिया। तब हमने विश्वास करना है, क्योंकि यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए अब क्या होगा? कुछ कुछ होगा, सब कुछ होगा भाई, क्या होगा? तो बस विश्वास करना, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। बोलो क्या है? उसने अपना काम पूरा कर दिया, अब हमने विश्वास करना है और प्रार्थना करनी और चाहत करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। और जब इन्होंने इस बात को समझा ऑनलाइन, तब तो ये हमें जानते नहीं थे, ये ऑनलाइन इन्होंने सुना इस मीटिंग को। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, ऑनलाइन मीटिंग का बहुत फायदा। बोलो क्या है? जो लोग बाहर हैं उनको तो फायदा है, मगर आपको भी उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आप यहां पर भी सुन रहे हो, आप इसको घर जाके दोबारा भी सुन सकते हैं। आमेन। और जैसे ही इन्होंने उस बात को समझा, आज इनको पूछकर देखो क्यों इतनी दूर से ये आते हैं। समझ आ रही है? क्यों इतनी दूर से आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सही जो चीज है उसको समझा। बोलो क्या है? जो सही चीज है उसको इन्होंने समझा है, और ये खुश हैं। बोलो क्या है? ये खुश हैं, ये खुश हैं। आप खुश हो? सब लोग खुश हैं? तारीफ करो एक बार जोर से परमेश्वर की।
आमेन। जो लोग इस तरह की प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में कोई भी काम नहीं हुआ, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आमेन।